गुड मॉर्निंग एवरी वन टूडे वी आर डिस्कशन अबाउट टिटनस टिटनस क्या है कम्युनिकेबल डिजीज बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज इसका दूसरा नाम क्या है सेकेंड नेम क्या है लॉक जो लॉक जो का मतलब क्या हो जबड़ा जबड़ा क्या हो जाता है लॉक हो जाता है राइट इसका दूसरा नाम क्या है लॉक जो ये जनरली होता क्या है कि जब बॉडी में किसी भी पार्ट पे कट लगता है या फिर वुंड बन जाता है उस वुंड के माध्यम से बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया क्लोस्टिडियम टिटेनाइम ये बैक्टीरिया वुंड के माध्यम से बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और उसके बाद में बॉडी की जो नर्वस सिस्टम उसको अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने से पेनफुल मसल्स इस्पाज में या फिर कॉन्ट्रक्शन प्रोड्यूस होता है किसमें बॉडी में पेनफुल मसल्स कॉन्ट्रक्शन राइट right? तो ये एक नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है जो बैक्टीरिया क्लोस्टीडियम टेटेनाई ये वुंड वुंडिक कह सकते अपन कट कट के माध्यम से बॉडी के अंदर एंटर करता है और वहाँ एंटर करने के बाद में नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने के बाद में जो बॉडी की जो मसल्स हैं उसमें क्या होगा पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा पेनफुल स्पाज होगा स्पाज्म का मतलब क्या होता है इन्वॉलेंट्री मस्कुल कॉन्ट्रैक्शन कलवलजन बहुत हार सेम स्पाज स्पाज़ में और कन्वलजन बहुत हार सेम राइट तो और इस बीमारी को इस बीमारी में होता क्या है तो लोक जो हो जाता जबड़ा लोक हो जाता है और धनुषाकार बॉडी की से बन जाती है जिसको अपन बोलते हैं ओपिस्टोटोनस राइट इसके साइन सिम्टम्स अपन पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं इट इज एन एक्यूट एकफेक्शियस डिजीज अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम कॉज बाय द बैक्टीरियम बैक्टीरिया कौन सा क्लास्टिडियम टिटेनाइम ये एक्यूट इन्फेक्शस डिजीज है जिसमें नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है किसके द्वारा क्लास्टिडियम टिटनाई टिटनाइ नेक्स्ट क्या है इन्फेक्शन अकर बाई कंटेमेटेड ऑफ वन बाई बैक्टीरिया स्पोर्ट जो इन्फेक्शन कैसे फैलता है कंटेमिनेटेड वुंड की वजह से बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन इन्फेक्शन एंड प्रोड्यूस ए टॉक्सिन जो बैक्टीरिया वहाँ पे साइट पे जाके मल्टीप्लिकेशन करता है और एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो क्या करता है नर्व को क्या करता है इरीटेटिव नर्व जो नर्व को क्या कर देता है इरीटेट कर देता है सो दैट दे कॉज स्पाजमोडियम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स जिससे क्या होता है पेनफुल मसल्स इस्पाज कॉन्ट्रैक्शन राइट और ये जो पेनफुल मसल्स स्पाज में कॉन्ट्रेक्शन है कैन लीड टू डेथ ये किसको लीड कर सकता है डेथ को लीड कर सकता है राइट अब अपन बात करें कम्युनिक इनक्यूबेशन पीरियड की तो इनक्यूबेशन पीरियड इसका है सिक्स डे टू सेवरल वीक्स राइट कुछ वीक्स के लिए हो सकता है साइन सिम्टम्स की बात करें तो मस्कुलर स्पाज ऑफ फेस नेक एंड एपडोमिन यहाँ पे क्या हो जाता है मस्कुलर स्पाज में हो जाता है कॉन्ट्रेक्शन हाई ग्रेड फीवर एंड हेडेक हो सकता है ट्रिसमस जिसका दूसरा नाम है लॉकजो लॉडोसिस पोजिशन हो सकता है स्पाज में फेसियल मसल्स जो फेसियल मसल्स है उसमें कॉन्ट्रेक्शन आ सकता है और पिस्तोटोनस मतलब धनुषाकार आकृति बनना पेशेंट की जैसे सपोज करो पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है पीठ के बल लेटा हुआ है किसमें सुपाइन पोजिशन में राइट अब पेशेंट का जो बैक है पीठ है वो राइज राइज हो जाएगी किसके बल हेड और उसके जो लेग्स हैं उसके बल पे वो राइज हो जाएगा खड़ा हो जाएगा कहने का मतलब हेड और इसके जो फिट हैं सोल पार्ट है हेड है, का जो सोल पार्ट है वो टिका रहेगा बेड पे बाकी का पोर्शन क्या हो जाएगा सी सेप में एक धनुष के आकार में सीधा खड़ा हो जाएगा पेशेंट राइट राइज हो जाएगा बैक पोर्शन उसका राइज हो जाएगा और पेशेंट किसके सहारे खड़ा हो जाएगा मतलब तो हेड उसका टिका रहेगा बेड पे किस पोजीशन में सुपाइन पोजीशन में और जो सोल है किसका लेग का जो सोल है वो बेड पे टिका रहेगा और पेशेंट बीच में से राइज हो जाएगा राइट उसको बोलते हैं ओपस्ट और तो है पोजिशन कन्वर्जन कन्वर्जन भी वही होता है सडनली इन्वरी मसल्स कॉन्ट्रक्शन इस्पाज ऑफ लेरिंग एंड फेरिज में उसमें फेरिज और लैरिज में क्या आ जाना कॉन्ट्रेक्शन आ जाना फ्रिक्वेंट एपिसोड ऑफ पेनफुल इन बॉडी फ्रिक्वेंटली एपिसोड बार बार हाइपोक्सिया हो सकता है पेशेंट ये इसके क्या है साइन एंड सिम्टम्स अपन बात करें कॉजेज किसकी वजह से ऐसा होता है तो फर्स्ट कॉज क्या है अपडॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ पैराथाइड हारमोन जो पैराथाइडो हारमोन है जो क्या होगा अब नॉर्मल प्रोडक्शन होगा उसका सेकेंड है ड्यू टू डेफिशेंसी एबजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जी अगर जी सिस्टम से या फिर अपन कह सकते हैं इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एबजॉर्प्शन कम हो जाएगा थर्ड को जैसे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी विटामिन डी के प्रेजेंस में क्या होता है कैल्शियम का एब्जॉर्पन होता है इनकी वजह से क्या हो सकता है टिटनस अपन बात करिए डायग्नोस्टिक इवॉल्यूशन तो फर्स्ट है बाय साइन एंड सिम्टम्स सेकंड है सी एस एफ एग्जामिनेशन सरीब्रो स्पाइनल फ्लूड जो लंबर पंक्चर के माध्यम से अपन इसको निकालते हैं राइट ट्रीटमेंट में क्या करना है जो कॉजेज हैं उन्हीं को अपने को मैनेज करना है विटामिन अगर कैल्शियम का एब्जॉर्पसन कम होता है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट आई भी दे देते हैं पेशेंट को डेफिशेंसी किसकी है विटामिन की तो विटामिन डी थेरापी और जो पैराथाइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो अपन उसकी जरूरत है तो वो भी उसको ऐड कर देते हैं किसमें ट्रीटमेंट में और एंटीटॉक्सिन टिटनेस सीरम जिसको अपन बोलते हैं रेडीमेड एंटीबॉडीज जैसे टिटनेस टी का इंजेक्शन लगता है हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स अगर इन्फेक्शन है तो ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन पांच से तीन हजार आईवी दे देते हैं पेशेंट में क्या है कन्वलजन है और स्पाज में है तो मस्कुलर रिलैक्सेंट एंड सेडेटिव देते हैं उसके लिए एंटीकलोजेंट के लिए अपन क्या डाइजिपाम और फेनीटाइन देते हैं फेनीटाइन देते हैं इसका क्या है ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट कैसा है ट्रीटमेंट है जो कॉजेज हैं जो साइन सिम्टम्स हैं उसको मैनेज करना है ये नर्व टिटनेस जो है नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है ये किसके माध्यम से मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये किसके माध्यम से एंटर करता है ये वुंड के माध्यम से कट के माध्यम से जो क्लस्टोडियम टिट है उसके माध्यम से बॉडी के अंदर एंटर करता है वहाँ जाके नर्वस सिस्टम को क्या करता है अफेक्ट करता है और फिर जो बॉडी का जो मसल्स है मसल्स पार्ट है उसमें क्या हो जाता है पेनफुल मसल्स इस्पाजम या फिर और पेशेंट में सिम्टम्स मोस्टली कौन कौन से आते हैं लॉक जो और ऑफिस राइट कन्वर्जन और इसके जो ट्रीटमेंट है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है आपने को राइट थैंक यू